क्या आपको पता है कि मछलियाँ आंखें खोलकर सोती हैं और दुनिया की सबसे छोटी पक्षी हमिंग बर्ड आगे पीछे दाएं बाएं और किसी भी दिशा में उड़ सकती हैं। और पेरिस में एक ऐसी जगह है जहाँ पर 6 मिलियन डेड बॉडीज को एक साथ दफनाया गया है। और क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा देश है जिसमें 5 सूरज एक साथ दिखाई देते हैं। हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में बहुत सारी अमेजिंग फैक्ट्स आने वाले हैं, तो बिना टाइम पास किए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है कि मछलियां पानी में रहने वाली एकमात्र ऐसी जीव हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है जो गिल से जुड़ी होती है। साथ ही अगर कोई डॉलिनुमा अंग होते हैं तो फिन के रूप में होते हैं। ऐसे में मछलियों को लेकर कई लोगों के मन में एक सवाल आता है कि क्या मछलियां सोती हैं। अगर नहीं तो बिना सोए मछलियां जिंदा कैसे रह लेती हैं। तो हम आपको बता दें कि मछलियां भी सोती हैं, इसलिए वे जीवित रह पाती हैं। और इस धरती पर ऐसा कोई जानवर या जीव नहीं है जो बिना सोए जिंदा रह पाए। दरअसल बात यह है कि मछलियों के हमारी तरह पलकें नहीं होती हैं, इसलिए वो हमारी तरह अपनी आंखें बंद करके नहीं सोती हैं। और आपको बता दें कि पलकें हमारी आंखों में नमी बनाए रखने के लिए काम आती हैं, जिससे वो हवा या किसी भी तरह की चीज़ों से घायल होने से रोक पाएं। लेकिन मछलियाँ हमेशा पानी में ही रहती हैं, तो इसलिए उन्हें नमी की कोई ज़रूरत नहीं होती। और आपको बता दें कि मछलियाँ अपने दिमाग के कई तरह के हिस्सों को ज़रूरत के हिसाब से आराम देती हैं और कभी भी पूरी तरह से अचेत नहीं होती हैं। जैसे शार्क मछली अपनी नींद में भी तैरती रहती है, इसी तरह पैरट मछली सोने से पहले अपने चारों ओर बुलबुलों का घेरा बना लेती है, इसलिए मछलियां बिना आंखें बंद किए अपनी नींद को पूरा कर लेती हैं। इसलिए वैज्ञानिकों को लगता था कि मछलियां भी सोती भी हैं या नहीं, लेकिन बाद में उन्होंने इस पर अध्ययन किया जिसमें पाया गया कि मछलियां भी सोती हैं लेकिन बहुत कम सोती हैं, मतलब कि वो बहुत ही कम समय में अपनी नींद को पूरा कर लेती हैं। और जब मछलियां सोती हैं तब भी वो हल्के हल्के से तैरती रहती हैं, लेकिन तब उनका मेटाबॉलिज्म बहुत ही धीमा हो जाता है और वो बाह्य पर्यावरण के लिए उदासीन हो जाती हैं। इतना ही नहीं, कुछ मछलियाँ जिस दिशा या समुद्र के क्षेत्र में रहती हैं वहाँ सबसे नीचे जाकर सो जाती हैं ताकि वो किसी का शिकार न बन सके। फैक्ट नंबर 6 पे एक हॉन्टेड प्लेस। दरअसल रोमानिया के ट्रांसिल्वेनिया जिले में होइया बसुई नाम से एक रहस्यमय जंगल है। और आपको बता दें कि यह जंगल बहुत सी भूतियाँ और रहस्यमय गतिविधियों के लिए बदनाम है। यह जंगल घूमने वाले बहुत से पर्यटक जब जंगल घूमकर वापस आते हैं तो उनके शरीर पर जले हुए और खरोचों के निशान होते हैं, लेकिन उन लोगों के अनुसार उन्हें पता ही नहीं होता कि यह सब कैसे हुआ। वहीं कुछ लोग यह भी दावा करते हैं कि अपनी जंगल यात्रा के दौरान उन्हें बीच के कुछ घंटे याद नहीं रहते, पर इन खोए हुए समय में क्या हुआ इसके बारे में पूरी तरह से अनजान होते हैं और वे इसे टाइम मिसिंग करते हैं। और आपको बता दें कि इस क्षेत्र के बहुत से लोग विश्वास करते हैं कि यह सब घटनाएं भूतों की वजह से होता है, पर वैज्ञानिक आज तक इस बात की पता नहीं लगा सके यह सब क्यों होता है। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है कि भारत के नागपुर स्टेशन बनाने के लिए जमीन का सौदा केवल 1 रुपये में किया गया था। क्या वह चौक गए, लेकिन यह बिल्कुल सच है। दरअसल यह बात आज़ादी से पहले की है, जब खैरागढ़ के राजा ने इस जमीन का सौदा अंग्रेजों के साथ केवल 1 रुपये में ही कर दिया था। बाद में यहाँ पर नागपुर रेलवे स्टेशन बना दिया गया। वैसे आपको बता दें कि नागपुर रेलवे स्टेशन की स्थापना 15 जनवरी 1925 को की गई थी, जिसको आज लगभग 95 साल हो गए हैं। फैक्ट नंबर 4, पेरिस में फ्रेंच कैट कॉम्ब्स नाम की एक जगह है और पेरिस में जमीन से 20 मीटर गहराई में डिजाइन की गई यह जगह कब्रों का तहखाना नाम से प्रसिद्ध है। और आपको बता दें कि यहाँ 60 लाख डेड बॉडीज को एक साथ जोड़ा गया है और इस तहखाने को मुर्दों की हड्डियों और खोपड़ियों से करीब 2-2 किलोमीटर लंबी दीवार के सहारे बनाया गया है। दरअसल 1785 में कब्रिस्तान की कमी के चलते कई लाशों को एक साथ एक गड्ढे में दफना दिया गया था, जिसमें लगभग 6 मिलियन कंकाल मौजूद हैं। और पेरिस का यह कैटकॉम्ब 200 मीटर लंबा है। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे छोटी पक्षी हमिंग बर्ड दुनिया की अकेली ऐसी पक्षी है जो आगे पीछे दाएं बाएं किसी भी दिशा में आसानी से उड़ सकती है और साथ ही फूलों का रस पीते समय 22 से 72 बार अपने पंख काफ़ी तेजी से फड़फड़ाती है, जिससे यह हवा में एक ही जगह उड़ती रहती है। और यह छोटी सी बर्ड दिन भर में हर 10 मिनट में खाना खाती है। और आपको बता दें कि हमिंग बर्ड अपने शरीर के वजन का 50% तक खाना खा लेती है और ये आमतौर पर 4 से 5 साल तक जिंदा रहती है, क्योंकि ये इतनी छोटी होती है कि अक्सर किसी न किसी सांप उल्लू या बड़े पक्षियों का शिकार बन जाती है। फैक्ट नंबर 2, समय समय पर हमारी पृथ्वी पर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जो लोगों को हिला कर रख देती हैं। इनमें से कुछ प्राकृतिक तो कुछ अप्राकृतिक, मतलब स्वयं इंसान द्वारा की गई गलती होती है, पर कुछ घटनाएं ऐसी भी होती हैं जिनके बारे में कभी पता नहीं चलता कि उनके पीछे क्या रहस्य था। पूरे विश्व का ध्यान अपनी ओर खींचने वाली ऐसी ही एक घटना 30 जून 1908 को रूस के साइबेरिया इलाके में हुई थी। एक दिन एक विशाल एस्टेरॉयड आकाश को चीरते हुए धरती की तरफ बढ़ने लगा, फिर वह विशाल एस्टेरॉयड एक जोरदार धमाके के साथ धरती से टकरा गया और टक्कर इतनी जोरदार थी कि पूरे साइबेरिया का इलाका कांप उठा। धमाका कितना जोरदार था इसकी भयावहता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता कि धमाके के बाद धूल और आग का एक विशाल बादल आसमान में बन गया। हरे पेड़ जो धमाके के स्थान से 30 किलोमीटर के घेरे में थे धूल में मिलकर नष्ट हो गए
और इस जोरदार धमाके के असर से 60 किलोमीटर दूर रहने वाले लोग भी उसकी आवाज और कंपन से बेहोश होकर गिर पड़े। धमाके की वजह से खड़े मकान पल भर में मिट्टी में मिल गए और तो और 60 किलोमीटर दूर स्थित जानवर भी अपने आप को संभाल नहीं पाए और जमीन पर गिर पड़े। बाद में जब धमाके स्थल का जायजा लेने के लिए वैज्ञानिक वहां पहुंचे तो उनके उम्मीदों के अनुसार उन्हें वहां एक विशाल गड्ढा मिलने का विश्वास था। उनकी इस उम्मीद का कारण था उनका विश्वास कि हो न हो वहां जरूर कोई विशाल उल्कापिंड धरती से टकराया होगा। उनके अनुसार वहां अब तक तो एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया होगा, पर घटना स्थल पर पहुंचते ही वैज्ञानिक उस समय चौंक गए जब उन्होंने वहां ऐसा कुछ नहीं पाया। और आश्चर्य की बात तो यह थी कि घटना स्थल के बीचों बीच कई स्थानों पर जंगल सुरक्षित था और वहां अभी पेड़ खड़े थे और सबसे कम नुकसान उसी जगह पर हुई थी। वैज्ञानिक इस बात से कंफ्यूज थे कि जिस धमाके की वजह से 30 किलोमीटर तक सारा जंगल नष्ट हो गया है वहीं घटना स्थल पर सबसे कम नुकसान हुआ है कैसे। पर एक बात तो साफ थी कि धमाके का कारण जाए जो रहा हो लेकिन वह उल्कापिंड की वजह से तो कतई नहीं था। घटना स्थल का अध्ययन करने पर पता चला कि धमाका धरती से टकरा कर नहीं हुआ था बल्कि वह धरती की सतह से काफी ऊपर हवा में हुआ था। कुछ लोगों के अनुसार धमाके का कारण UFO यानी अंतरिक्ष से अन्य ग्रहों से आने वाला यान था, एक ऐसी उड़ंत अस्त्री जो शायद न्यूक्लियर पावर से चलती थी और किसी कारण से उसमें विस्फोट हो गया। कई लोग जो UFO से संबंधित अध्ययन में लगे हुए हैं वे इसी तथ्य को ही वास्तविकता मानते हैं। उनके इस तथ्य को कई वैज्ञानिक वास्तविकता मान भी लिए हैं। हालांकि आज कई वैज्ञानिक इस बात से मानने को इनकार करते हैं पर वे भी आज तक इसका जवाब नहीं दे पाए हैं। साइबेरिया में उस दिन क्या हुआ था या क्या नहीं, यह आज भी एक रहस्य ही है। फैक्ट नंबर 1 से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी ऐसी वीडियो लेकर आऊं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि दुनिया का एक ऐसा देश है जिसमें 5 सूरज एक साथ नजर आए थे। हम बात कर रहे हैं मंगोलिया की, जहां इसी साल फरवरी के महीने में एक खगोलीय घटना देखने को मिली थी जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी थी। और आपको बता दें कि चीन में इससे पहले भी इसी तरह की घटना घट चुकी है। इससे पहले 5 की जगह 3 सूरज दिखाई दिए थे। चीन के उत्तर पूर्व स्थित जिलिन प्रांत के फ्यू शहर में 31 दिसंबर 2019 को एक साथ 3 सूरज दिखाई पड़े थे। वहीं इस बारे में बात करते हुए वैज्ञानिकों ने बताया कि यह एक ऑप्टिकल इल्यूजन और एक रेयर घटना है जिसे घटित होने के लिए -20 डिग्री सेल्सियस तापमान की जरूरत पड़ती है। साथ ही इसे सन डॉग फिनोमेना भी कहते हैं। और आपको बता दें कि यह तब घटित होता है जब आसमान में काफी ज्यादा मात्रा में बर्फ के कण तैरने लग जाते हैं तो उनसे किरणों का रिफ्रैक्शन होता है। बर्फ के इन तैरते कणों से जब सूरज की रोशनी टकराती है तो 3 से 5 सूरज तक दिखाई दे जाते हैं। साथ ही सूरज की किरणों का ही अपवर्तन ऑप्टिकल इल्यूजन बन जाता है और लोग इस वैज्ञानिक घटना को चमत्कार मान बैठते हैं।